चुनाव कोई भी हो, लेकिन बीजेपी हर चुनाव से पहले ही एक्टिव हो जाती है। यहाँ नतीजा ये कि बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही अब चुनाव जीत जाती है। एक बार फिर से बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग शुरू, चुनाव से पहले जीती बीजेपी, विपक्ष को लगा दोहरा झटका। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष जोर आजमाइश में लगा है। 19 जुलाई को नामांकन होना है, इसलिए विपक्ष कोई भूल चूक नहीं करना चाहता। लेकिन चुनाव में बीजेपी भी कहां पीछे हटने वालों में है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी चुनाव जीत गई है। लेकिन विपक्ष की क्या होगी रणनीति, आगे देखिए। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन अभी तक एनडीए न विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने आया है। ऐसे में नामों को लेकर कयास जारी है, लेकिन सदन के दोनों सदनों में सदस्यों के आंकड़ों पर नजर डाले तो बीजेपी काफी मजबूत है, इतना कि खुद के दम पर अपने प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति बनवा सकती है। ऐसे में विपक्ष के पास काफी चुनौती है। उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगा विपक्ष? अगर विपक्ष समय रहते ये काम करे तो शायद उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ हो सकता है। वैसे तो बीजेपी चुनाव से पहले ही जीतती नजर आ रही है। विपक्ष के किसी दल ने अब तक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई पहल नहीं की है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वे भी तब जब नामांकन को अब केवल 8 दिन ही बचे हैं। ऐसे में संभव है कि विपक्ष इस बार कोई उम्मीदवार ही ना खड़ा करे। दूसरा ये भी हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से सांकेतिक तौर पर किसी को उम्मीदवार बना दिया जाए। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस, टीआरएस, सपा जैसे दल बीजेपी को वॉकओवर नहीं देना चाहते। ऐसे में विपक्ष के अन्य नेताओं से बात करके कांग्रेस खुद ही किसी को सांकेतिक तौर पर उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी से निपटने के लिए विपक्ष को कोई रास्ता निकालना होगा। बीजेपी की मजबूती को तो सब जानते हैं। बीजेपी के पास खुद के आंकड़े पर्याप्त हैं कि वे बिना कोई रणनीति बनाकर चुनाव जीत पाएगी। इसके अलावा अगर बीजेपी के सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल किया जाए तो बीजेपी और मजबूत हो जाती है। इतना ही नहीं, चुनाव में विपक्ष के कई दलों का भी साथ बीजेपी को मिल सकता है, जैसा राष्ट्रपति चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, समय से पहले विपक्ष को रणनीतियों पर काम करना होगा, नहीं तो बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में सेंध लगा ही लेगी और विपक्ष को एक बार फिर हार देखनी होगी। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज़।